हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीएससी एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीड। बीज क्या है और बीज के गुण क्या हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जेआरएफ में भी और थ्योरी एग्जाम में भी। वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। बीज को दो तरीके से परिभाषित किया गया है, एग्रोनॉमिकली और बॉटनिकली। एग्रोनॉमिकली, सीड और सीड मटेरियल इज लिविंग ऑर्गन ऑफ द क्रॉप एंड रूडिमेंट्री फॉर्म दैट इज यूज इन प्रोपोगेशन, और इन अदर वर्ड्स एनी पार्ट ऑफ द क्रॉप फ्रॉम विच अ न्यू क्रॉप विल ग्रो। बीज किसी भी क्रॉप का लिविंग ऑर्गन होता है, यानी जीवित अंग होता है रूडिमेंट्री फॉर्म में, जिसका यूज़ किया जाता है प्रोपोगेशन के लिए, यानी नए पौधे को उगाने के लिए। अगर सरल शब्दों में कहें तो किसी भी फसल का वह भाग जिसका उपयोग नई फसल को उगाने के लिए किया जाता है, उसे हम बीज या सीड कहते हैं। ये हो गई कृषि से संबंधित परिभाषा। दूसरा है वानस्पतिक परिभाषा। सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो स्टोर्ड फूड सीड कोट विच इज़ वाइबल एंड हैज़ गॉट द कैपेसिटी टू जर्मिनेट। बीज एक निषेचित बीजांड है जिसमें इंटैक्ट एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है, स्टोर्ड फूड होता है, भोजन उसमें संरक्षित होता है एंडोस्पर्म के फॉर्म में। बीज कोट होती है यानी कि बीज आवरण होता है, सीड कोट, वो वायबल होती है, जीवित होती है, और उसमें कैपेसिटी होती है कि वो अंकुरण कर सके। सीड इज एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिसमें इंटैक्ट एम्ब्रियो स्टोर्ड फूड सीड कोट होता है, वो वायबल होता है, और उसमें कैपेसिटी होती है कि वो जर्मिनेट कर सके। ये क्वेश्चन जेआरएफ में आ चुका है। सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड और चार ऑप्शन दिए गए थे, तो आएगा ओव्यूल। मिड टर्म में एक क्वेश्चन आया था, विच पार्ट ऑफ द क्रॉप इज यूज फॉर प्रोपोगेशन। फसल का कौन सा भाग है जिसका उपयोग प्रोपोगेशन के लिए किया जाता है, यानी नए पौधे को उगाने के लिए किया जाता है, तो आंसर आएगा बीज। ये क्वेश्चन एग्रोनॉमिक डेफिनेशन से लिया गया था और जेआरएफ में जो क्वेश्चन आया था 2018 में प्लांट ब्रीडिंग में, वो बॉटनिकल डेफिनेशन से लिया गया था। तो ये दोनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीड, बीज के गुण क्या हैं। ये क्वेश्चन भी थ्योरी एग्जाम में आ चुका है, 5 नंबर में। बीज के गुण, पहला गुण है इट मस्ट बी ट्रू टू इट्स टाइप। ट्रू टू इट्स टाइप का मतलब है कि अगर हमने राइस का कोई वैरायटी है जैसे नगीना, उसकी वैरायटी लगाई है, नगीना की यील्ड होती है, पैदावार होती है 35 से 40 किलो पर हेक्टेयर, क्विंटल पर हेक्टेयर। अगर हम उसी की वैरायटी लगा रहे हैं तो उसकी भी यील्ड 35 से 40 क्विंटल होनी चाहिए, मतलब अपने पेरेंट के जैसा ही होना चाहिए। दूसरा गुण है द सीड मस्ट बी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम ऑल इनर्ट मटेरियल्स एंड वीड सीड। सीड जो होती है वो हेल्दी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, और किसी भी दूसरी फसल के बीज उसमें नहीं होना चाहिए, कंकड़ पत्थर इनर्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए, और खरपतवार के बीज भी नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा गुण है द सीड मस्ट बी वायबल। सीड वायबल होना चाहिए यानी कि जीवित होना चाहिए। चौथा है द जर्मिनेशन कैपेसिटी इज़ अप टू द स्टैंडर्ड एंड इट हैज़ बीन टेस्टेड रिसेंटली। जर्मिनेशन कैपेसिटी यानी अंकुरण की क्षमता, हर क्रॉप की अंकुरण की क्षमता का एक स्टैंडर्ड होता है जो पहले से फिक्स होता है। जैसे अंकुरण क्षमता है सोयाबीन की 70%, पैडी यानी धान की 80%, ये पहले से फिक्स होता है। तो हम जो बीज बो रहे हैं हमें कि अंकुरण क्षमता उस स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए और उसका परीक्षण पहले से हो जाना चाहिए। द सीड मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी सीड ब्रोन डिसीज़। बीज में कोई भी बीज जनित रोग नहीं होना चाहिए। अगर बीज में बीज जनित रोग होगा और हम ऐसी बीज का उपयोग करते हैं नई फसल को उगाने के लिए, तो जो हम फसल उगाएंगे वो भी इस रोग से ग्रसित हो जाएगी और हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है द सीड मस्ट बी ट्रूथफुली लेबल्ड एंड प्रोड्यूस ड्यू ऑल केयर। सीड को अच्छी तरीके से लेबल करना है और उसको बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करके उगाना है, उसकी टाइम से रोगिंग ब्रीडिंग सब कुछ करना है।
लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट शुड बी ड्राई एंड नॉट बी मोल्डी एंड शुड कंटेन्स 12-14% मॉइस्चर। बीज में अत्यधिक नमी नहीं होना चाहिए, नमी सिर्फ 12-14% ही होना चाहिए और बीज सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। गीला होगा तो वो फूल जाएगा और वो आसानी से टूट जाएगा, तो बीज सूखा होना चाहिए और इसमें 12-14% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए।